अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज अगला चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6, रंग यानी कलर। इसका देखें, पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखें, तफसीली जवाब तहरीर करें। रंगों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, तफसील से बयान करें। इसका जवाब है पेज नंबर 78 पे, रंगों की दर्जाबंदी। यहाँ से शुरू करें आप। रंगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, बुनियादी रंग, प्राइमरी कलर। बुनियादी रंग वो रंग है जो कुदरती तौर पर कायनात में पाए जाते हैं। वो किसी और रंगों से बनाए नहीं जा सकते, बल्कि और रंगों को बनाने के लिए बुनियाद फ्राहम करते हैं, करने में इनमें शामिल हैं। सुरख, नीला, पीला रंग। सुरख, नीला, पीला रंग ये बुनियादी कलर है 4। आगे है सेकेंड सानवी रंग, सेकेंडरी कलर। 2 बुनियादी रंगों को यकसा मिलाने से जो रंग वजूद में आए उन्हें सानवी रंग कहा जाता है। जैसे देखें, पीला और सुरख को मिलाएं तो उसका नारंगी यानी ऑरेंज कलर बन जाता है। सुरख और नीले को मिलाएं तो जामुनी कलर बन जाता है। नीला और पीला को मिलाएं यानी नीले को और पीले को मिलाएं तो सब्ज रंग बन जाता है। आगे थर्ड है दरमियानी रंग या गैर सानवी, इंटरमीडिएट कलर। एक बुनियादी और एक सामनी रंग मिलाने से दरमियानी रंग वजूद में आते हैं, मगर ये मिक्सिंग कलर व्हील पर मौजूद तरतीबवार रंगों में होनी चाहिए। ये 6 रंग हैं, पीला प्लस नारंगी बराबर पिलाखट माइन नारंगी, नारंगी जमा सुरख बराबर सुरखी माइल नारंगी, सुरख जमा जामनी बराबर सुरख माइल जामनी, नीला और जामनी यानी दोनों कलर को मिलाएं तो इससे नीलाखट माइल जामनी। फिर आगे नीला प्लस सब्ज बराबर नीलाखट माइल सब्ज, पीला प्लस सब्ज बराबर पीलाखट माइल सब्ज, यानी ये देख दोनों को मिलाएं तो ऐसे बन जाते हैं मुख्तलिफ कलर्स। तो इसके यहाँ तक आपने ये पहले का आंसर है, तो इसको आपने नीट कापी पे लर्न करना है, लिखना है इसको और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।